जय माता दी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों क्या आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए आपकी हो जाए? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है और आपकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ हो रही है तो उसकी शादी तोड़ने का हक सिर्फ आपको है। जी हाँ, चाहे आपकी प्रेमिका हो या आपका प्रेमी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो किसी और से शादी ना करे और उसकी शादी सिर्फ आपसे हो, उसे पाने का हक सिर्फ आपका है और किसी का नहीं, तो दोस्तों इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी प्रेमिका की शादी टूट जाएगी, वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर। तो इस उपाय को कैसे करना है और इसमें क्या क्या करना होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट भी सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों आपको अगर अपनी प्रेमिका से बदला लेना है या फिर अपनी प्रेमिका को अपने पास वापस लाना है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आपकी प्रेमिका की शादी अगर कहीं और फिक्स हो गई है, अगर आपकी प्रेमिका किसी और की होने वाली है या फिर आपका प्रेमी किसी और का होने वाला है, उसकी शादी किसी और से तय हो गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे तो मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रेमिका आपके पास वापस आ जाएगी, उसकी शादी टूट जाएगी। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, इसीलिए अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो ये हक आपका जरूर बनता है कि आप उनकी शादी को तोड़वा दें और वो वापस आपके पास आ जाए। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक कागज पर उनका नाम लिखना है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। कागज पर उनका नाम लिखकर आपको एक मंत्र बोलना है और उसके बाद आपको ये कागज जला देना है। आपको अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है और प्रेमिका की जिससे शादी होने वाली है उसका नाम लिखना है। दोनों नाम एक कागज पर लिखने हैं और उसके बाद आपको उस कागज को अपने सामने रखना है और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण आपको 51 बार करना है। दोस्तों 51 बार मंत्र बोलकर आपको कागज पर फूंकना है और उसके बाद इस कागज को आपको माचिस से जला देना है। उस कागज की जो राख निकलेगी उसे आपको अपने टॉयलेट में जाकर फेंक देना है। उसके ऊपर से आपको पानी भी डालना है दोस्तों। और जब वो कागज आप जला देंगे, जब पानी उसके ऊपर डाल देंगे, उसके 3 दिनों के अंदर अंदर आपके पास आपकी प्रेमिका की शादी टूटने की खबर आएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप किसी की शादी तोड़वा रहे हैं तो आप उससे शादी करने के लिए तैयार हैं तो ही आप ये काम कीजिए। ऐसा काम मत कीजिएगा कि किसी की शादी भी तोड़वा दी और खुद भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप शादी करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों तो फिर आप किसी और की शादी मत तोड़वाइए, क्योंकि इस मंत्र के असर से ऐसा होगा कि वो प्रेमिका आपके पास वापस आएगी और वो आपसे शादी करने के लिए कहेगी। उस समय अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा मंत्र बोलना होगा तो हमारे नंबर पर कॉल लगाइए। ये नंबर बहुत ही ज्यादा आपके काम आएंगे। हमारे जो वीडियो की स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन्हें नोट कर लीजिए, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जिससे कि आपकी प्रेमिका की शादी टूट जाएगी। तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और उस मंत्र को जान लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके सवाल लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।